तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के हम गए सर्विस सेंटर अपनी अपनी बाइक्स दिखाने। वहाँ हमें पता चला कि मेरी बाइक की क्लच पेट ही चली गई। लेस हमें प्यार होगा, हम नहीं छोड़ेंगे लद्दाख, हम ही रहेंगे। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ कोई ना कोई कांड जरूर होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ कांड ना हो। तो आज सुबह सुबह हमें गुड न्यूज़ मिल चुकी है। क्या गया? सोच रहे थे कि आज ले छोड़ देंगे, हम जा रहे थे खारदुंगला के बाद नूबरावेली, और यहाँ पे सर्विस स्टेशन पे आके बाइक दिखाई तो बाइक की बहुत हालत ख़राब है, एक की नहीं तीनों की। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। खारदुंगला हम निकल ही नहीं पाए, अभी तक हमारी बाइक की सर्विस ही हो रही है भाई साहब। और शाम के 4 बज गए हैं, अब जाके हम लंच कर रहे हैं। लंच करके पहले हम लंच कर रहे हैं, मैं और वो हैं, फिर उसके बाद वो लोग लंच करेंगे, तब तक हमारी बाइक सही हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, शायद यहीं रहेंगे। खारदुंगला तो जाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा भाई पहुंच पाएंगे। हाँ पता नहीं, और खारदुंगला में शायद बारिश पड़ रही है इस टाइम। ओ भाई, मेरी बाइक की तो क्लच प्लेट ख़राब थी, रोहन की बाइक का तो मोबिल निकला ही नहीं, क्लच प्लेट तो गई गई। सबसे सही बस अजीम की बाइक है इस टाइम पे, हम दोनों की वैसी हो गई खराब। और हम वहीं हम आगे बढ़े ही नहीं, आगे बढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। We want to stay here in Leh। हम बढ़ ही नहीं पाए। ये शहर हमको इतना भा गया है, ये हमें जाने ही नहीं दे रहा है। अब निकलने की कोशिश करते हैं, चलो। कहाँ जा रहे हैं? खारदुंगला टॉप। क्या कह रहा? साउथ पोल। साउथ पोल जा रहा। साउथ पुल्लू का सुअर है। फाइनली रूम से निकल के अब हम पहुंच गए साउथ पुल्लू। यहाँ से खारदुंगला बस पास में ही है, और यहाँ पे ये फोटो पॉइंट है, यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं। अरे रुक गए, एक और बन गए। मेरा फ्रेंड एक निकल निकल गया, तो रख सकते हो। एक तो तीन और पांच और तक तीन तक ले लेंगे। दाढ़ी में फंस गया भैया। लोटी चौको पाए। तो यहाँ हो रहा है हमारा परमिट चेक। परमिट हमने ऑनलाइन ही अप्लाई कर दिया था, और हर जगह के लिए यहाँ पे परमिट है। और अभी को आया है परमिट देने, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। पहले तो परमिट में स्टैंप लगवाने डीसी ऑफिस जाना पड़ता था लेके, बट अब हमने ऑनलाइन में देखा था कि वहाँ पे कहा था कि ऑनलाइन ही अप्लाई कर दो, ज़रूरत नहीं है डीसी ऑफिस जाने की कोविड की वजह से, ऑनलाइन ही पेमेंट कर दो, सब हो जाएगा। तो देखते हैं रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं। पहली बार सुना है मैंने ऑनलाइन के बारे में, वरना अब तक तो डीसी ऑफिस से स्टैंप ही लगवाते थे। ओ भाई बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओ भाई क्या तरीका है समझाने का। भीड़ देख रहे हो आप, देख रहे हो भीड़, इतनी ठंड में भी कुछ दिख ही नहीं रहा है। भीड़ देखो भाई साहब, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। पहुंच तो गए थे, लेकिन बस मेरे अकेले की बहुत हालत खराब हो गई थी। हाथ कहाँ हो गए यार? देखो अगर तुम आओ तो ये देखो, ऐसी वाली जैकेट पफर वाली, मैंने अंदर से टी शर्ट पहनी हुई है, और बहुत ठंड लग रही है, तमीज के कपड़े पहन के। यहाँ हम चढ़ रहे हैं दूसरे रास्ते से, वो साइड है इसलिए क्योंकि उस साइड ज़्यादा स्नो है, यहाँ पे स्नो कम है।
इसलिए उस साइड ज़्यादा भीड़ है। एक्सक्यूज मी, वेट अप। खत्म भाई, पानी इसमें निकाल है भाई, जल्दी दे। वो खड़े दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, पता नहीं क्या सिलेंडर लेके गए क्या ऑक्सीजन का, समझ ही नहीं आ रहा हूँ। मेरी तो बहुत यहाँ पे हालत खराब हो गई, मैं नहीं रह पा रहा हूँ यहाँ पे यार, मैं नीचे जा रहा हूँ भाई साहब, बहुत ही बुरा हाल। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा, बर्फ जो सांस ले रहे हैं जिससे, वो भी इतनी ठंडी ठंडी जा रही है, बहुत ही बुरा हाल है यार। अरे भैया उतरो यहाँ से जल्दी, उतरो फटाफट। तुझे अपने ग्लव्स क्यों उतार दिए? ग्लव्स से कुछ नहीं हो रहा यार, हाथ मेरे सही हैं। थोड़ा बहुत तो होता है, मेरे को नहीं पता। हो रहा कैसे? कैसे चलो कैसे? ये इस टाइम जन्नत का काम कर रही है कॉफी। और मुझे याद आ रही है वनीला लाटे। भाई साहब नहीं आना, मैंने घर जाना है। जो भी है, अपनी लाइफ के बकेट लिस्ट से मेन दो चीज़ें तो पूरी हो गई थी, एक बचपन के दोस्तों के साथ गोवा जाना और एक 18,380 फीट ऊपर माइटी खारदुंगला बचपन के दोस्तों के साथ ही बाइक ट्रैवल करना। जो लड़के जेब में हाथ डाल के सैड सा पोज बना के फोटो खिंचाते थे, वो खुद दिल से खुश होके सेल्फियां ले रहे हैं। भाई मर जाएंगे, भाई मर जाएंगे। बना बेटे बना चलते।